एमएस एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप अपने डाटा से फोरकास्टिंग और डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे और इससे आप अपने बिजनेस या करियर में हेल्प ले सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, सीखिएगा। और एमएस एक्सेल कोर्स के साथ साथ आप पीपीटी, वर्ड और डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, हमारे चैनल से सीख सकते हो। 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, 30-35 और नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज है कि आप फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। फोरकास्ट का मतलब है कि अनुमान लगाना है पिछले डाटा को देख के, ठीक है ना। और दूसरी जो चीज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो वक्त आने पे आपको पता ही चल जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हो यार, इतना परेशान नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। चलिए दूसरी भी चीज़ बता देता हूँ, वो है आपके डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, मैं बात बताऊँगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। तो पहले है फोरकास्ट। फोरकास्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक L&T कंपनी है बेसिकली, तो मैंने एक साइट से इनका डाटा उठाया है बेसिकली। जो पहली डाटा दिख रहा है ये 2008 से 2022 तक इनका वर्थ, जो नेटवर्थ था बेसिकली, नेटवर्थ का मतलब कंपनी की कुल कीमत कितनी है, वो तो देखिए पहले 49,021, फिर 50,048, फिर 52,175 और फिर 60,000, ये सब करोड़ में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इनकी कीमत है। अब इन्हीं कीमत के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि जो आने वाला 2023 होगा, आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया का वो होता है मार्च के एंड में, हमारा मार्च ख़त्म होता है और मार्च से शुरू होता है अगले अप्रैल से, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। उससे पहले पहले जितनी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है क्लोज होनी होती है, तो सारा डाटा इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से उनके एसेट हैं। एसेट क्या होता है कंपनी के पास, एसेट मतलब कीमती चीज़ें एसेट होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है, देनदारी। देनदारी का मतलब अगर किसी ने लोन लिया है तो वो देना होता है। तो एक करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज होती हैं। आप कुछ बस एक समझ लीजिए, एक डाटा है। अब मैं बताने लगूंगा तो शेयर मार्केट का हिसाब से चला जाएगा। वैसे अगर आप बताइएगा कि आपको शेयर मार्केट के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए, वैसे एक एक्सेल का भी एक वीडियो बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूँ तो। उसमें होगा ये कि कंपनी के प्रीवियस डाटा के हिसाब से हम उनके शेयर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो शेयर लेने लायक है या नहीं। बट ये हमारा एक एजुकेशन चैनल है तो सोच रहा हूँ वो सही रहेगा या नहीं। चलिए अगर करना होगा तो कर दूंगा, अगर मैं किसी दिन खाली टाइम में टाइम मिला मुझे तो, पर अभी तो काम ये है वही करते हैं। चलिए पहला है कि फोरकास्ट कैसे करेंगे। अब देखिए नेटवर्थ में फोरकास्ट करना चाहता हूँ, तो फोरकास्ट के लिए फॉर्मूला जो है दोस्तों इक्वल आपको प्रेस करना है RFOR। जैसे ही आप फोर लिखेंगे आपको फोरकास्ट का फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिए फोरकास्ट पे, ठीक है। जैसे ही आप कहें फोरकास्ट लिखेंगे ये कहेगा एक्स नोन, मतलब किसका आप निकालना चाहते हो, ठीक है। हम इनका निकालना चाहते हैं। अभी अगला तुमसे पूछेगा कि अच्छा जी ठीक है, नोन ईयर्स, जो नोन आपके पास डाटा है वो कौन से हैं। तो डाटा तो हमारे पास नोन यही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अच्छा फिर उसके बाद ये कहेगा कि अच्छा रिलेवेंट डाटा नोन ईयर्स के हिसाब से कौन सा था, ये था, हमने वो भी सिलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने मारा एंटर, तो देखिए दोस्तों ये मुझे इस बार का रिलेवेंट डाटा मुझे दे दिया है कि इस बार जो कंपनी की नेटवर्थ होगी वो लगभग इतनी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, मैं करंट एसेट में भी दिखाऊंगा, करंट लाइबिलिटी में दिखाऊंगा, मैं आपको 3 मौके दूंगा दोस्तों समझने के। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप वीडियो दोबारा देखिए। चलिए दोस्तों इसके लिए आपको इक्वल साइन प्रेस करना है और FOR फोरकास्ट टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पे फोरकास्ट बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन आपको इन सब में नहीं आता, एक फोरकास्ट करके ये दिखेगा, देखिए ये फोरकास्ट ही रहेगा बस लिखा हुआ, इसके ऊपर जाना है।
जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे, ये एक्स नोन पूछेगा, मतलब एक्स पूछेगा क्या निकालना चाहते हैं, किसके बेसिस पे निकालना चाहते हैं, हम 2023 में निकालना चाहते हैं, कॉमा लगाया, फिर ये कहेगा नोन ईयर्स, नोन कौन कौन सा डाटा है हमारे पास, नोन डाटा यही है, ठीक है, मैंने कॉमा अप्लाई करा, कॉमा अप्लाई करने के बाद फिर ये पूछेगा आपसे कि नोन जो आपके पास जो डाटा है वो कौन सा है ईयर्स के हिसाब से, ईयर्स पूछेगा बेसिकली, तो मैं उसे डाल देता है, फिर उसके बाद एंटर करूंगा, तो देखिए दोस्तों इस बार का मुझे करंट एसेट लगभग दिखा देगा, ठीक है। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी पे फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, अब इसमें फोरकास्ट लिखेंगे दोस्तों, फोरकास्ट लिखने के बाद हम उस फॉर्मूले पे जाएंगे बेसिकली, तो उस फॉर्मूले पे हम जा चुके हैं दोस्तों, और उसके बाद 2023 में निकालना थे भी सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा मैंने अप्लाई कर ही दिया, ये मैंने वैल्यू सिलेक्ट ही कर दी, अब मैं दूसरी बार अब बार बार नहीं बताऊंगा डिटेल में, वैल्यू सिलेक्ट कर दी, फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना, ये इस बार का भी आपको दोस्तों फोरकास्ट दे दिया है कि जो लाइबिलिटी है वो लगभग इस रफ्तार से बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों आपका फोरकास्ट। चलिए बात करते हैं अगले हम डिप्रिसिएशन फॉर्मूले। जी हाँ दोस्तों, डिप्रिसिएशन होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक कार ले ली आज, एक चमचमाती हुई कार या बाइक, मान लीजिए आपने एक कार ले ली फॉर्चूनर, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी। अगर आप फॉर्चूनर आज 50 लाख की उठा के लाते हैं, तो आज से 2-3 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, 35 लाख, 40 लाख, फिर और 2-3 साल और पुरानी होगी, फिर कितनी हो जाएगी, 25 लाख, 27 लाख। तो ऐसे क्या होता है, चीजों की कीमतें घटती हैं, लेकिन क्या कभी उस फॉर्चूनर की कीमत 0 हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। क्यों, अरे भाई लोहा तो है ना, लोहा तो किसी रेट में बिकेगा ही आखिरी में जाके, बिल्कुल मान लो पूरा एकदम सब कुछ खराब हो गया उस गाड़ी का, कोई भी काम किसी काम का नहीं है, लेकिन भैया स्क्रैप तो है ना, कम से कम लोहा तो है ना, वो तो भंगार वाले को या कूड़े वाले को चला ही जाएगा लोहे के रेट में। तो जो वो कूड़े के रेट में जाती हैं चीजें, उनको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, उनको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। इसलिए मैंने बताया है आपको, ये मैंने लिखा हुआ है। तो एक मैंने सीएनसी मशीन ली है, ठीक है, इसको मैंने जब खरीदा था तो ये थी आपकी 2,20,000 की, ठीक है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, क्योंकि सीएनसी मशीनें बहुत भारी भारी होती हैं, तो उनमें लोहा दबा के है, ठीक है। तो मैंने मान लिया दोस्तों, हो सकता है कुछ भी हो सकती है, और मैंने मान लिया कि वो सीएनसी मशीन 5 साल तक काम करती है। अब मुझे डिप्रिसिएशन निकालना है कि कितना आएगा, पहले ईयर में, दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में, सबका निकालूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करता हूँ पहले पहले ईयर की डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। आपको इक्वल साइन पे प्रेस करना होगा, और डिप्रिसिएशन फॉर्मूले, डिप्रिसिएशन के लिए आपका डीबी फॉर्मूले से बता रहा हूँ। डिप्रिसिएशन कई तरीके से निकल जाता है, लेकिन मैं डीबी से बता रहा हूँ, वो आसान होता है, सबसे आसान यही है बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे डीबी जैसे प्रेस कर लीजिए, आपको देखिए यहाँ पे सामने दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए, तो सबसे पहले ही पूछेगा कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी है, ठीक है, मैं कॉस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने कॉमा अप्लाई करूंगा, फिर मुझे बोलेगा सैलवेज। दोस्तों सैलवेज वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, इनमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये दोनों एक ही होती हैं, ठीक है ना। मैंने ले लिया स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, ठीक। उसके बाद मैंने ले लिया इसकी लाइफ, 5 साल लाइफ है, ठीक। अब दोस्तों लाइफ तो मैंने सिलेक्ट कर ही लिया, अब मुझे इसको पीरियड बताना होगा, पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने कॉमा अप्लाई करा, और मैं 1 ही साल का भी देखना चाहता हूँ, 1 ही साल का जैसे ही देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एंटर कर सकता हूँ। इसमें मैं चाहता तो दोस्तों मंथ भी एंटर कर सकता था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट वही कर दिया, मैं ईयरली के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं मंथली के हिसाब से भी देख सकता था। तो पहले साल में इसकी जो वैल्यू घटेगी, कीमत वो इतनी घटेगी। चलिए दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा कैसे चेक करेंगे दोस्तों, वही तरीका है, डीबी फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू डीबी आ गया फॉर्मूला, डबल क्रॉस करके कॉस्ट को आपको देखनी है, ये कॉस्ट होगी दोस्तों,
कॉस्ट के बाद ये सेल्वेज वैल्यू हो गई दोस्तों। सेल्वेज वैल्यू के बाद मैंने एक और लाइफ भी उसकी कैलकुलेट कर दी। फिर पीरियड, पीरियड कौन सा देख रहे हो दोस्तों? आप दूसरे साल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा साल डाल दिया और एंटर प्रेस कर दूंगा। दूसरे साल में देख रहे हो दोस्तों, उसकी कीमत इतनी घट गई, और पहले 56,000 घटी, फिर दूसरे साल में वो 41,000 की हो गई। तीसरे साल में भी देखते हैं दोस्तों, डीबी हो गया। अब ऐसे ही मैंने इसको लिया, कॉस्ट में लूंगा, सैलरी वैल्यू लूंगा, सॉरी कॉस्ट लूंगा, फिर सैलरी वैल्यू लूंगा, फिर उसके बाद लाइफ लूंगा, फिर पीरियड कौन सा लेंगे दोस्तों? 30 दिन। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ या ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरी इच्छा के ऊपर है। मैंने ये कर लिया, तीसरे साल में वो 31,000 की लॉस हुआ, मतलब डिप्रिशिएट हुई वैल्यू। तो आप यहाँ से एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो शुरुआती कीमत है वो बड़ा रैपिडली मतलब घटती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप गाड़ी लाते हो ना, तो शुरुआती में उनकी कीमतें बहुत जल्दी घटती हैं। इन शॉर्ट, कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी ला रहे हो शोरूम से घर पे और ला चुके हो, तो उतने में ही उसकी वैल्यू करीब करीब 10 से 15% या कई कई बार 20% कम हो जाती है, भले ही आप उसे चलाएं या ना चलाएं, इतना फर्क पड़ता है। शुरुआती डिप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है। चलिए, खैर ये तो एक्सेल की बात है, तो मैं एक्सेल, ये तो एक्सेल उतना अच्छा से एक्यूरेट नहीं बताता, लेकिन फिर भी ये मतलब लिए रियल लाइफ का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, मैं चौथे साल में देखना चाहता हूँ कि डिप्रेसिएशन कितना आएगा, तो वही डीबी अप्लाई करूँगा, ठीक है। कॉस्ट करा, स्क्रैप टाइप करा, लाइफ करा, और फिर उसके बाद कॉमा करके मैंने चौथे साल में भी देख ली उसकी। अब चौथे साल में भी आया गया, अब पांचवे साल में भी उसकी वैल्यू देखनी है हमें, तो ठीक है देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, एक शॉर्टकट की भी है इसकी ना, कि अगर आप चाहेंगे एक का निकालेंगे तो ड्रैग करके आप सबका निकाल सकते हो, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बी मैंने भी अप्लाई कर लिया, अब ये देख लेता हूँ, और फिर उसके बाद लाइफ, ये हो गई उसकी लाइफ, एंटर मार दीजिए। तो आप देख सकते हैं, पहले साल में 56,000, ये इतना, दूसरे साल में 41,902, तीसरे साल में 31,000, चौथे साल में 23,000, और पांचवें साल में लगभग लगभग 17,000, ठीक है। तो जब इनको आप कैलकुलेट करके और इनको माइनस करेंगे 220 से, तो ये स्क्रैप वैल्यू ही आएगी। दिखते हैं कैसे। एक काम करिए, आप यहाँ पे सबका सम कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे। इक्वल साइन प्रेस करिएगा, ये इन सबों को मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें से मैं अपनी, ये देखिए, इनिशियल कॉस्ट घटाऊंगा। बेसिकली इनिशियल कॉस्ट में से मैं इसको घटाता हूँ, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट से मैं, अगर मैं इसको घटाऊं, तो इक्वल साइन प्रेस करता हूं, और इनिशियल कॉस्ट मेरी ये है, मैं माइनस करूंगा दोस्तों। मैंने माइनस करा और मैंने इसको लिया। अब देखिए दोस्तों, ये मेरी लगभग लगभग स्क्रैप वैल्यू के आसपास का ही आएगा। ये देखिए दोस्तों, 50,151 रुपये का लगभग मेरी स्क्रैप वैल्यू उठ के आई है। तो ये पॉइंटों में थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फर्क करना है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 50,000 ही मेरी आ गई, स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही आ गया, मतलब 5 साल बाद। वैसे भी आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज की 5 साल लाइफ है और 5 साल बाद उसे स्क्रैप ही हो जाना है, तो बेसिकली स्क्रैप वैल्यू में ही तो जाएगा वो। ये मैंने आपको बता दिया होता क्या है, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप इसमें से एक और तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आप चाहते तो पहला ही बस करते और ड्रैग करके सब में अप्लाई कर देते। कैसे? आपको इनिशियल 3 को बस सेलेक्ट करना है और अपने जो कीबोर्ड है उससे F4 को प्रेस कर देना है, ठीक है। शिफ्ट F4 कर देंगे, F4 प्रेस कर देंगे, तो उससे आराम से ये यहाँ पे क्या होगा, डॉलर का साइन आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सब में वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने करके ही दिखा दिया, तो मैं दोबारा अब क्या करूँ, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डॉलर का साइन लगा देंगे तो उसके बाद जब इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे खींचेंगे पकड़ के, तो सब में ऑटोमेटिक आएगा। वरना अगर अभी आप करेंगे तो सब में आएगा। देखिए, मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इससे डिलीट मार रहा हूँ। अभी देखिए, अभी अगर आप करोगे
तो बेसिकली अगर आप अभी आप ट्रैक करोगे तो इसमें देखिए, ये देखिए ऐसे एरर टाइप का आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे इन तीन को सिलेक्ट करके और अपने कीबोर्ड की F4 बटन को प्रेस करेंगे तो इनके सामने डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर साइन का आने का फर्क क्या पड़ेगा, बेसिकली वो वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, वो नहीं चेंज होंगी आपकी, फिर सिर्फ और सिर्फ लाइफ चेंज होगी दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा मैंने जो बताया है वो है डिप्रिसिएशन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ यूजफुल लिंक्स दे रहा हूँ प्रोडक्ट सर्विसेज के, हो सकता है उनसे आपको बहुत फ़ायदा हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, क्लिक करें और उनको यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।